हाय फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। क्या दोस्तों, एक्सिस बैंक का शेयर एक अच्छे रिटर्न देने की क्षमता रखता है? क्या ये आने वाले भविष्य में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? तो इस क्वेश्चन के आंसर का पता लगाने की कोशिश करें। वैसे दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक महासमुद्र है जहां पर बहुत सारे फंडामेंटली साउंड बिजनेस के स्टॉक्स हैं जिनमें क्षमता है अच्छे रिटर्न्स देने की, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि वो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हमारे मित्र से एक मुलाकात हुई रीसेंट टाइम में, जो मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसने बोला ये स्टॉक तो एक बहुत बड़ा रिटर्न देगा, एक साल में 100% के ऊपर जा सकता है। मैंने बोला मेरे भाई, उस कंपनी के सीईओ और एमडी को नहीं पता है ये 100% का रिटर्न देगा, हम कर क्या सकते हैं। हम किसी स्टॉक को जब चयन करते हैं तो उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, ताकि उन संभावनाओं को तलाश सकें कि क्या इसमें क्षमता है एक अच्छे रिटर्न्स देने की। और दोस्तों, अगर क्षमता है तो एक प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजिशन साइजिंग आस्पेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करते, और तब जाके दोस्तों एक संभावना बनती है स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने की। इसलिए अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किसी स्टॉक का जब चयन करें तो उसमें इनफ वेट ऑफ एविडेंस को चेक करें, क्या हमें इनफ कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं जो इस बात की दिशा में इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें क्षमता तो है अपसाइड होने की। अब आगे जाके क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता है दोस्तों, यही सत्यता है फाइनेंशियल मार्केट की, यही सत्यता है स्टॉक मार्केट की। तो आज इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक शेयर की ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, और उसके बाद चलेंगे प्राइस चार्ट के ऊपर में, जहां इसकी मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर एक्सिस बैंक शेयर के प्राइस टारगेट को भी निकालने की चेष्टा करेंगे। तो चलिए पहले इसके ब्रॉड फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। पहले एक्सिस बैंक शेयर का एक ओवरव्यू लेते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक ने पिछले एक साल के दौरान में निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडेक्स को 18.9% से आउट परफॉर्म किया है, तो ये एक हाई अल्फा स्टॉक है। अगर इसके रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखें, पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर, तो उसमें निफ्टी 50 से इस स्टॉक ने 2.2% का रिटर्न कम दिया है। इसका मतलब शायद एक अपट्रेंडिंग मार्केट में ये करेक्टिंग स्टॉक है, जिसका अवलोकन करेंगे जब हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे। अब इसकी वोलाटिलिटी की बात करें, क्योंकि तो यहाँ रिस्क फैक्टर आता है, तो इसकी वोलाटिलिटी जो है, इसका बीटा जो है 1.01 है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत कम वोलाटाइल है, बट यस, बहुत अधिक वोलाटाइल भी नहीं है। तो वोलाटिलिटी जो है हम एवरेज इसकी मान सकते हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफपीआई के द्वारा पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर, मतलब Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में इसमें बाइंग आती हुई नजर आई है, और उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है 46.12% से 49.45%। वहीं म्यूचुअल फंड में कुछ बिकवाली आई है। इसके पहले वाले क्वार्टर्स तक तो इसमें तेजी आई थी और उन्होंने बाइंग की थी, लेकिन पिछले रिपोर्टिंग क्वार्टर Q3 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है 23.69% से 23.22%। अब एक्सिस बैंक के अर्निंग्स के ग्रोथ की एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉडली अर्निंग्स के फ्रंट में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो पिछले 5 साल के दौरान में अगर अर्निंग्स के ग्रोथ को देखें तो अर्निंग ग्रो की है 48.8% से, जबकि उसी समय पे इंडस्ट्री ग्रो की है 30.9% से, और ब्रॉडर इंडियन मार्केट की अर्निंग्स रही है 16.9%। तो परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर पिछले एक साल की अर्निंग्स को देखें तो एक एक्सेलरेटेड अर्निंग देखी गई है, 62.9% से ग्रो की है, जबकि यस, इंडस्ट्री में भी एक्सेलरेटेड अर्निंग ग्रोथ देखी गई है 45.8% से, बट एक्सिस बैंक ने आउट परफॉर्म किया है इंडस्ट्री को एंड ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट को। अब दोस्तों, हम इंडियन बैंक के
और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए उस पर एक नजर डालते हैं कि ब्रॉडली ये स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। पहले एक नजर डालते हैं असेट्स टू इक्विटी रेशियो पे, जो 9.2 टाइम्स है, तो ये ठीक नजर आ रहा है दोस्तों। अब जहां तक रिस्क लायबिलिटीज का सवाल है, तो 76% लायबिलिटीज जो है एक्सिस बैंक की, वो प्राइमरली लो रिस्क सोर्सेस ऑफ फंडिंग से आती है, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। जहां तक अलाउंस फॉर बैड लोन्स का सवाल है, तो ये इनफ डेटा नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं। अब लोन के लेवल की बात करते हैं, तो एक्सिस बैंक का जो लोन का लेवल है वो अप्रोप्रिएट है, लोन्स टू असेट रेशियो 63% पर है। अब यहां पर डिपॉजिट्स की बात करते हैं, तो लोन्स टू डिपॉजिट का रेशियो 92% है, वो भी ठीक नजर आ रहा है। अब आता है क्वेश्चन, बैंकिंग स्टॉक होने के कारण बैड लोन्स की बात आती है, तो बैड लोन्स जो है वो हाई लेवल पर है, 2.5% है, तो ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न का विषय जरूर हो सकता है एक्सिस बैंक में। अब दोस्तों जब हम बाजार में वेजिटेबल्स खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, तो 200-300 रुपए की सब्जी खरीदने के लिए हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, साथ में उसके प्राइस का मोल तोल करते हैं, ताकि कोई महंगा सामान हम ना खरीदें। तो जब हम स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसे खरीदना चाहते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं स्टॉक के वैल्यूएशन को चेक करते हैं? तो चलिए अब एक्सिस बैंक शेयर के वैल्यूएशन को चेक करते हैं। अगर पी रेशियो को देखें, तो इसका करंट पी रेशियो जो है वो 12.9 है, और पीयर ग्रुप एनालिसिस करें तो पीयर ग्रुप का एवरेज है 15.2, तो वैल्यूएशन में यहाँ ये ठीक नजर आ रहा है। तो अब चेक करते हैं इसके पीबी रेशियो को, तो पीयर ग्रुप का जो एवरेज है पीबी रेशियो का वो 2.2 है, जबकि एक्सिस बैंक का है 2, तो वैल्यूएशन टर्म्स में एक्सिस बैंक ब्रॉडली ठीक नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अब इस ट्रेडवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं, जहां एक्सिस बैंक शेयर की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझते हैं और एक्सिस बैंक शेयर के प्राइस टारगेट को निकालने की चेष्टा करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं मंथली प्राइस चार्ट से एक्सिस बैंक के शेयर पर। दोस्तों यहां पर ध्यान से अगर देखें, ये एक अपट्रेंडिंग स्टॉक था और यहां पर जाकर इसने एक हाई बनाया और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई, मासिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई जून 2019 में, एंड फाइनली प्राइस ने यहां पर मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया और फिर मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाईज एंड हायर लोस का बनता हुआ चला गया। इस प्रोसेस में क्या हुआ दोस्तों कि फाइनली यहां पर अगर देखें, तो ये जो मल्टीपल बॉटम्स का जो अपेक्स था, इस बेसिस पे यहां पर अक्टूबर 2022 में एक ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के समय में वॉल्यूम में इंक्रीज देखा गया और वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से अधिक था। इसके अलावा और क्या हम देख सकते हैं, ये ब्रेकआउट क्वालिटी ब्रेकआउट था, क्योंकि प्राइस ने कई बार इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन दिया, तब जाके ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट था। इस प्रोसेस में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे 3-3.5 साल का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना और जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो अगर इस पैटर्न के अनुसार अगर हम एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें, तो पहला टारगेट 1315 का निकल के आता है, और अगर हम इसको नेक्स्ट टारगेट की बात करें, तो नेक्स्ट टारगेट इसका आता है 1778। तो फिलहाल अगर पहले टारगेट की भी बात करें, तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं 10th मार्च 2023 को मार्केट की समाप्ति के बाद, तो इसकी क्लोजिंग प्राइस है 851.9 पर। इसका मतलब अभी भी करीब 49-50% का अपसाइड का कुशन नजर आ रहा है पहले टारगेट के अनुसार। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टारगेट्स जो होते हैं एक नोशनल फिनोमेनन है, जहां पर बेस्ट स्ट्रेटजी होती है ट्रेंड को राइट करना एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। यहां पर ध्यान से देखें, इस प्रोसेस में प्राइस एक्शन के अनुसार क्या हुआ, यहां प्राइस का रिजेक्शन है, यहां प्राइस का रिजेक्शन है,
मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है, तो अब 806 और अनदर लेवल है जहां पे प्राइस का रिजेक्शन था, तो 770 से 806 का जो लेवल है ये अब डिमांड एरिया के रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है एक्सिस बैंक के शेयर पे। चलिए बढ़ते हैं वीकली प्राइस चार्ट पे ताकि प्राइस एक्शन को बेहतर तरीके से फाइन ट्यून कर सकें। अब यहां पर हम वीकली चार्ट में देखें तो यहां पे और ऑब्वियस हो रहा है ये लेवल जो था एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, और इसके बाद प्राइस में ये जो करेक्शन हुआ तो पिछले कई सप्ताह से अगर देखें नियरली 4 वीक से प्राइस ईएमए 21 के ऊपर में एक रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। तो इसका तात्पर्य क्या है कि ईएमए 21 एक इमीडिएट टर्म्स में एक हडल प्रोवाइड कर रहा है, एक डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्राइस काफी रेजिस्टेंस जो पहले था वो अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा, तो काफी सपोर्ट के पास नजर आ रही है। अगर हम एक इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, ये लास्ट इंपल्सिव वेव को अगर हम देखें और इसके हिसाब से रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, प्राइस करंटली 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पर ट्रेड हो रही है और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल करीब 800 रुपए के आसपास में आता है। तो इसका मतलब ये जो जोन है ये सिग्निफिकेंट डिमांड एरिया है, तो इस स्टॉक में रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल काफी अच्छा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पर और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और रीसेंट प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक इंपॉर्टेंट गैप था और ये गैप अब फेल हो चुका है। प्राइस ने यहां डबल बॉटम बनाया लेकिन डबल बॉटम का जो अपेक्स है इसको प्राइस ब्रीच नहीं कर पाई। यहां पे प्राइस देखिए हायर लोस का फॉर्मेशन कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बुल स्लोली कंट्रोल में आते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इसको गौर से देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है, इसको मैंने खींचा। अगर इस ट्रेंड लाइन को गौर से देखें तो यहां पे प्राइस का सपोर्ट है, यहां प्राइस का सपोर्ट है, यहां प्राइस का सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड लाइन का एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन होता है, जिसकी संभावना कम नजर आ रही है, ब्रेकडाउन हो सकता है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन होने की संभावना कम नजर आ रही है, अगर होता है तो ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड का फॉर्मेशन है और ये राइट शोल्डर है, और इसका ब्रेकडाउन होगा तो प्राइस काफी नीचे गिर सकती है। और इसीलिए जब हम लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू किसी भी स्टॉक में लेते हैं तो हमें इन एस्पेक्ट को दिमाग में रखना होगा कि यहां पर अगर हम देखें तो अगर रिसेंट टाइम में इसने यहाँ पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है तो इसका अपेक्स करीब करीब यहाँ पर निकल के आता है। तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर, अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊं तो वो लेवल है 899.15 का। अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस चली जाती है और या फिर कोई इस काउंटर ट्रेंड लाइन का एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हो जाता है, मैं इसको खींच रहा हूं, यहां पर देखिए इस काउंटर ट्रेंड लाइन को, प्राइस का रेजिस्टेंस वंस अगेन प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया जो कॉन्फ्लुएंस था ईएमए 55 का। हमें ये प्रिकॉशन एंट्री के लिए इसलिए लेना होगा क्योंकि ईएमए 21 ने ईएमए 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है और प्राइस करेंटली जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है एसएमए 144 पे। ऑल्दो एसएमए 144 का स्लोप अपसाइड है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है। यहां पर ध्यान से देखिए, एक बार यहां पर ब्रेकडाउन अगर होता है तो ये भी हो सकता है कि प्राइस इस जोन में आए और फिर उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एंट्री की अभी राइट अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज की कैंडल देखें 10th मार्च की, एक वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन करती हुई नजर आ रही है। तो दूसरा जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, ये कैंडल को आप देखें 9th मार्च की कैंडल जिसका हाई है 874.25, इसके हाई के ऊपर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं जो आपको जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियोस में सब कुछ सिखाया गया है। अगर आप उनके द्वारा सीख रहे हैं तो आपको जानकारी होगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के जो भी प्राइस आती है उसमें बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर जीटीटी ऑर्डर क्रिएट किया जा सकता है। अगर वो ट्रिगर हुआ तो क्या होगा दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाएगी और ये कंफर्म हो जाएगा इस गैप को फिल करने के बाद अब डाउनसाइड बचा नहीं है इस स्टॉक में। और यहां पर 806 770 अगर आप
पोजिशनल ट्रेडर है तो कहीं ना कहीं 770 आपको फोकस में रखना चाहिए, उससे थोड़ा सा नीचे इनिशियल स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, आप स्वयं इसकी एनालिसिस कीजिए, डिसाइड कीजिए कि क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके लिए सूटेबल होगी, आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये सारे प्रिकॉशन लेना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, फिर मिलेंगे अति शीघ्र।